हेलो, मैं किसी आलिशान हवेली के किसी कमरे में नहीं बैठा हूँ। मैं बैठा हूँ जयपुर के एक आम होटल में, छोटी सी होटल है जिसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल है। काइंड ऑफ हेरिटेज कल्चरल डेवलप किया हुआ है जो बहुत ही रीजनेबल भी है और बहुत ही कंफर्टेबल है। तो जब भी आप जयपुर आते डेफिनेटली इस बात को ध्यान दें कि आप रुके कैसे ना रुके, जो आपको जयपुर की पुरानी कल्चर की। और अब मैं निकला हूँ दिन में बाहर, और ये है पिंक सिटी जयपुर का दिन का नज़ारा। वेल, रात को मुझे लगी भूख और मैं निकल पड़ा कोई अच्छे से रेस्टोरेंट की तलाश में। तो सोचा कि क्यों ना रात के वक्त भी शूट कर लिया जाए, देखे कि पिंक सिटी रात के वक्त लगती कैसे है। वेल, तो रात के वक्त भी इसकी एक अलग ही रौनक है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। और मेरे हिसाब से पिंक सिटी वो लोकेशन है जयपुर में कि जो भी यहाँ पर आता है तो एक बार तो आई थिंक पक्का विजिट करता है। लकीली सामने मुझे एक मॉस्क नज़र आई और मेरी नमाज बाकी थी तो मैं मॉस्क गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी नमाज पूरी की और उसके बाद मैं निकल पड़ा हवा महल की तरफ, क्योंकि हवा महल के लेन पे कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप भी ट्राई कर सकते हो। और ये हवा महल रात के वक्त बड़ा खूबसूरत लग रहा है। मैं गया वेज रेस्टोरेंट में और मैंने ट्राई किया एक राजस्थानी डिश जो बहुत ही तो अच्छा नहीं था लेकिन ठीक था, नॉट बैड। वेल, उसके बाद मैं निकल पड़ा अपने घर की तरफ सोने के लिए। गुड नाइट, कल मिलते हैं।